वेलकम बैक टू अनदर मोड्स। तो गाइस आज आप लोग एक मोड देने वाले जो कि आपका मनपसंद डिमांडिंग काफी बहुत देर से आप वेट कर रहे थे कि आपका ग्राफिक मोड दे दो कितना बढ़िया, और मैंने उसको अपग्रेड किया है और मैंने आपको बोला था मैं अपग्रेड होते आपको दे दूंगा, बस अभी रिप्लाई आ गया। मैं उसको आपको लिंक का भी दे रहा हूँ। फिलहाल गाइज आप देख सकते हो ग्राफिक ऐसे मिलेंगे आपको कुछ, और हाँ गाइज आपको ऐसे तगड़े तगड़े मोड एंड गेम प्ले आपको मिलते रहेंगे। तो बाकी हाँ गाइज अब मैं बात कर रहा हूँ इस मोड पैक की, मतलब सॉरी मोड की, और मोड पैक का भी जल्दी आ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मोड पैक में मेरे मोड है तो उनका भी बातचीत करना बाकी। बाकी इसका मिल गया तो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ एंड लिंक भी दिए है। फिलहाल हाँ गाइज आप देख सकते हो, फिलहाल वीडियो छोड़ के मत जाना, अभी डाउनलोड मत करना, वेट यार मेरी वीडियो देखो पूरी, बाद में आराम से आपको डाउनलोड कर देना। बाकी हाँ गाइज आप देख सकते हो ग्राफिक मोड कैसा है, ये पीसी लेवल जितना नहीं लग रहा मेरे को, तो पीसी लेवल जितना ही लग रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? हाँ गाइज आप देख सकते हो भाई मोड पे एक नंबर बनाया है, और मतलब सॉरी मोड ये ग्राफिक मोड। बाकी हाँ गाइज इसको मैं इसकी प्रोसेस भी बताऊंगा, इसकी प्रोसेस थोड़ी बहुत लंबी है, मैं आपको रिकवर कर दूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो में बने रहो पूरी तरीके से। तो गाइज यार फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक गाड़ी जो कि आपको मालूम ही होगा। बाकी इसके अभी रात के ग्राफिक्स दिखाऊँ तो वेट यार, रात के ग्राफिक दिखाता हूँ आपको। और ट्राइड गाइस तो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हो ये शाम के ग्राफिक्स है, रात से पहले शाम होती है ना, इसलिए मैंने शाम के ग्राफिक दिखाए। तो भाई आप शाम के ग्राफिक्स देख सकते हो, अलग ही नेक्स्ट लेवल भाई इसमें जुड़े हुए ग्राफिक्स। बाकी यहाँ गाइस यहाँ पे बातचीत करें भाई एक नंबर ग्राफिक्स की। फिलहाल यहाँ पे मेरे को वेदर्स भी काफ़ी बढ़िया लगे जो कि ऑरेंज मौसम है, वैसे पर्पल भी होता है थोड़े बहुत, और रात करो तो एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो गाइज यार ये अपने भाई 9 बजे के ग्राफिक्स हैं यहाँ पे इस गेम में, 9 बजे तो इतने ग्राफिक्स आते हैं मतलब रात के, मतलब आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया से मेरे को लग रहा है यार रात का भी व्यू, एक नंबर बनाया ग्राफिक्स मोड। बाकी काफ़ी बढ़िया आप मज़े से खेल सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो, यहाँ की लाइटिंग सब देख सकते हो। अपने जो बनाया भाई इन्होंने क्या ही बनाया भाई, पीसी को छोड़ के बनाया, मतलब GTA 5 और इसमें कंपेरिजन है, मतलब भाई GTA 5 लग रही है, आपको खेलने में मज़ा ही आ जाएगा। तो बाकी यहाँ गाइस अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने वेट यार इस लाइट को क्या, वैसे यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग ख़राब है क्योंकि यहाँ पे बेलास गैंग रहती है भाई, वो तोड़ के जाती है। तो बाकी यहाँ बढ़ते हैं अभी रात के ग्राफिक में, देखते आधी रात को कितने ग्राफिक आते हैं। राइट गाइस तो मैं आपको रात के ग्राफिक आप देख ही सकते हो, फिलहाल मैं थोड़े बहुत सिनेमेटिक रूल्स में दिखा रहा हूँ, और फिलहाल ही मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ भाई टक्कर ना हो जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकिल चलाते रहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हो फिलहाल ग्राफिक्स आप देख सकते हो, मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगी इसकी लाइटिंग्स वगैरह वगैरह। बाकी यहाँ का इस 2D इफेक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से लग चुके हैं इस मोड में, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार भाई यहाँ पे। अब लाइटिंग आप देख सकते हो काफ़ी प्यारी सी, एक PC लेवल ग्राफिक्स लग रहे हैं भाई मेरे को तो। आपको कैसे लग रहे हैं कॉमेंट्स में जाके ज़रूर बताना, और भाई साहब आपका डिमांडिंग मोड तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तो ये वाला आपको मोड भी चाहिए तो बताना, जो मतलब भाई आपके पीछे एक पर्सनल कार वाला वो भी मैं मोड दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ गाइस अभी फिलहाल आप इसको एंजॉय करो यार, अभी यार ये ग्राफिक मोड आप देख सकते हो, लेट्स गो भाई क्या मस्त ग्राफिक मोड बनाया है भाई जिसने भी बनाया है। और राइट गाइस तो यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त तरीके से अपनी लाइटिंग, मतलब कार की भी लाइटिंग प्रॉपर दिख रही है, एंड भाई रात के व्यू तो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है बाकी। सो ऑलराइट गाइस तो फिलहाल ये अपने सुबह सुबह के ग्राफिक्स, मतलब कुछ सुबह सुबह का वेदर कुछ इस तरीके से होगा, मतलब भाई साहब काफ़ी डिटेलिंग में बनाया भाई मैंने इस, भाई यार पूरा प्रॉपर दिखा रहा हूँ गाइस कैसे कैसे होने वाला है, तो आप पूरा देखो यार। फिलहाल आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया सा आपको व्यू मिल सकता है इस ग्राफिक्स मोड में, आपको खेलने का मज़ा डबल मज़ेदार हो सकता है इस ग्राफिक को खेल के। बाकी काफ़ी बढ़िया बनाया है और पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ इसको, बढ़िया लगता है मुझे भी। और हाँ अगर सीरीज आने वाली है मतलब GTA 5 की, अभी मेरे को मतलब सॉरी GTA San Andreas की नहीं आई है बहुत दिनों से, हाँ अगर इस फिलहाल अभी मैं डालने वाला हूँ, तो नेक्स्ट एपिसोड या तो उसके बाद नहीं, नेक्स्ट एपिसोड तो आपको एक और मोड मिलने वाला है क्योंकि भाई 500 तो दो मोड मैं देने वाला हूँ, तो ये वाला मोड तो भाई तगड़ा डिमांडिंग था तो मैंने सोचा ये डाल देता हूँ सबसे पहले। बाकी यहाँ अगर अभी नेक्स्ट मोड भी आने वाला है
तो वी रेडी भाई काफ़ी मज़े करने के लिए आपको आगे तगड़े तगड़े मोड दूंगा। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो एक कमांड देने वाला पेड़ को होगी, मतलब कुछ कमांड दे सकता हूँ। आप कमेंट्स में बताया था बहुत लोगों ने कि कमांड देने वाला मोड दो, तो मैंने वैसा कुछ टाइप मतलब आधा परसेंट तो वैसा ही है, बाकी हाँ भाई वैसा मोड ढूंढा है। तो यार वेट कर, तो वेट करो गाइज, आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बाकी हाँ गाइज, उसके ग्राफिक मुझे तो भाई नेक्स्ट लेवल लगे, बाकी आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, तेरी ऐसी की तैसी। चलो गाइज फिलहाल अभी वहाँ से चलते हैं, एंड फिलहाल आपको पूरे ग्राफिक्स के वेदर मैक्सिमम दिखाई दिए जहाँ तक मुझे लगता है फिलहाल। हाँ गाइज अभी आपको अंदर का व्यू भी कैसा लग रहा है, अंदर का व्यू यहाँ गाइज फिलहाल अभी आपको इन्वायरमेंट मतलब GTA 5 लाइक मिल सकता है, फिलहाल आपको सारी चीज़ें लगातार तो GTA 5 जैसी मिल सकती है इस मोड में। बाकी हाँ गाइज आपको फील भी आएगा GTA 5 खेल रहे भाई, आप देख सकते हो फिलहाल ग्राफिक्स देख सकते हो भाई, तुम्हारे भाई ने क्या ग्राफिक ढूंढे, आप कमेंट्स में जाके बताना फिलहाल आपको ग्राफिक कैसा लगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना तो मुझे कमेंट्स में जाके बताना, डाउनलोड करने में अगर नहीं हो रहा कुछ भी दिक्कत हो रही है तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगा आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी हाँ गाइस अभी बढ़ते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ, तो लेट्स गो। अभी बढ़ते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी ग्राफिक्स EM भी कुछ तरीके से आपको मिल सकता है, एंड इसको आपको टाइप करना है तो फटाक से इसको अपन ने टाइप कर दिया है, और फटाक से अभी मैं इसको ना क्या करता हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है कि टाइम्स का यहाँ पे टाइम्स का एक एंड कलर साइक, तो फिलहाल यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको टच करना है स्टेप वन, सुनो वैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टेप है तो आप ध्यान से सुनो, इनको पहले टच करना है, एंड रॉकस्टार में जाना है, एंड फाइल्स में जाके आपको डाटा में जाके ये जो दो फाइलें हैं इसको भाई आपको कर देना है फिलहाल मल्टी सेलेक्ट में कॉपी सेलेक्ट कॉल करके, फिलहाल आपको कॉपी या कट दोनों में से आपको एक चीज़ करनी है, फिलहाल आपको कॉपी या कट करके फिलहाल आपको जाना है डाटा में फोल्डर में, और GTA से रॉकस्टार फोल्डर में जाके फिलहाल आपको फाइल में जाना है, फिर आपको डाटा में जाके पेस्ट कर देना है एंड्रॉइड, पहले आपको करना है एंड्रॉइड, फिर जाना है डाटा, फिर जाना है भाई रॉकस्टार कंपनी मतलब GTA से फाइल को ढूंढना है, उसमें जाना है फाइल में, उसके अंदर फिलहाल डाटा में। तो फिलहाल हाँ भाई मैं आपको स्टेप नहीं बता सकता, बाकी आप समझ जाओ, बाकी हाँ गाइस फिलहाल उसमें जाके आपको ये पेस्ट कर देना है, और फिलहाल ही आपका ये स्टेप कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप है भाई अपने को, मैंने तो कर दिया इसलिए मैं नहीं करके बता रहा, बाकी हाँ गाइस आपको बैक जाना है, फिर आपको फिर से टाइम स्ट्राइक में और कलर स्ट्राइक में जाके फिलहाल ये जो डायनेमिक लाइट है इसको भी डाल देना है अपने CLU में, तो क्या करना है इसको भी कॉपी करके वैसे ही स्टेप उसमें डाल देना है अपने CLU में, तो रॉकस्टार में जाके फिलहाल। हाँ गाइस फिलहाल इसको मैं अभी बैक जाता हूँ, ये हो गया अपना स्टेप वन, तो अभी स्टेप टू में आते हैं कि ऑप्शनल में आया है, मतलब ऑप्शनल आपको कुछ ग्राफिक ऐड करने ज़्यादा तो वो ऑप्शनल में, जैसे गाइस मैंने अपने ग्राफिक थोड़े ज़्यादा ही बढ़ा दिए थे, अगर आप ये दो स्टेप वन मतलब ये जो यही डालोगे तो फिलहाल थोड़े बहुत ग्राफिक होंगे, बाकी अगर ऑप्शनल में जाओगे तो आपको मेरे जैसे कुछ टाइप GTA 5 ग्राफिक मिलेंगे, तो ऑप्शनल में जाने ही पड़ेगा, आपको वैसे ही टाइप चाहिए थे ना। तो या गाइस फिलहाल आपको स्टेप वन बताता हूँ, तो सबसे पहले आपको जाना है नाइट लाइट में एंड नाइट लाइट 2DFX में, तो फिलहाल आपको क्या करना है, ये जो GTA से रॉकस्टार फाइल GTA से मतलब ये आपके फाइल में भी रहता है मतलब डाटा में, तो फिलहाल आपको क्या करना है इसको कॉपी कर देना है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करके मतलब आपको इस तरीके से कॉपी करके फिलहाल आपको जाना है वैसे एंड्रॉइड डाटा में जाकर ही आपको पेस्ट कर देना है, तो उसमें रिप्लेस कर देना मतलब आपको रिप्लेस का भी ऑप्शन आएगा, तो उसको एक छोटा सा राइट का बटन आएगा, राइट को दबा के एंड उसको रिप्लेस कर देना। बाकी हाँ गाइस वो स्टेप मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही होगी, बाकी हाँ गाइस फिलहाल अभी बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। तो गाइस यार स्टेप थ्री है मतलब भाई जो ये नाइट 2DFX में गए हो, तो फिलहाल यहाँ पे आपको 2 GTA 3 IMG भी मिलेगी, जो कि अपना GTA 3 IMG ऐप में से मिलेगी, मतलब आपको प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ऐप की भी, वहाँ से यहाँ मेरी लिंक से भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। तो बाकी यहाँ गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है, आपको उस ऐप में जाना है, फिलहाल आपको जाके भी बताते हैं। तो गाइस यार फिलहाल अभी अपन एंटर हो चुके हैं उस ऐप में, फिलहाल अभी आप देख सकते हो उसी फाइल में मैं आ चुका हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है एंड्रॉइड में जाना है एंड उसमें डाटा रॉकस्टार कंपनी में जाके वैसे ही कुछ स्टेप पे जा चुके हैं जैसे इसमें ऐप में, मतलब वहाँ पे जाके आपको क्या करना है एक फाइल में जाना है THD में जाना है, आपको एक बार जाके दिखाते। तो गाइस यार जो ये आपकी जो फाइल है मतलब GTA 3 IMG जिसमें मैं अभी कलर मार्क किया है, फिलहाल उसको आपको क्या करना है कॉपी मतलब इस ऐप में नहीं
अपने दूसरे ऐप में जो अभी मैं आपको एंटर किया था, तो उस ऐप में जाना है और उस ऐप को दबा के इसको दबा के फिलहाल आ जाना है। फिर बैक आपको मैं वो स्टेप तो नहीं बता सकता, आपको अगर ट्यूटोरियल चाहिए तो वो आपको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे हाँ अगर उससे सीख लेना, बाकी हाँ अगर इसको करके आपको क्या आना है, फिलहाल जहाँ पे आपने मेरे जो ये लिंक से आपको ग्राफिक डाउनलोड किया है, फिलहाल आपको क्या करना है उसमें आ जाना है, एंड ऑप्शन में आ जाना है। फिर आपको N2DFX में GT3 IMG में जितने भी वो जो ऑप्शन थे फिलहाल उसको कॉपी करके, मेरे इसमें अभी इस ऐप में नहीं दिखा रहे क्योंकि इस ऐप में मैंने वो कर दिया है सारे कॉपी करके डाल दिए, तो इसलिए मेरे को नहीं दिखा रहे। तो आप भी कर देना तो आपको नहीं दिखाएंगे। बाकी यहाँ कैसे आपको ऐसे ही करना है, उसको डाल के रिप्लेस मतलब रीबिल्ड कर देना है और अपने आप प्रोसेस हो जाएगी अपना कम्प्लीटली। बाकी हाँ गाइस अभी बढ़ते स्टेप 4 की तरफ, अपना स्टेप 4 की तरफ आ चुके हैं। फिलहाल स्टेप 4 में आपको जाना है ऑप्शनल में ही, वहाँ पे अपना VMB ग्राफिक्स ऑप्शनल में, एंड आपको क्या कर देना है, अगर आपको अगर नेक्स्ट लेवल के ग्राफिक चाहिए, मेरे से भी अच्छे चाहिए, मतलब मैंने तो थोड़े बहुत डाले थे ग्राफिक, और फिलहाल आपको उससे भी मतलब ज़्यादातर तकड़े चाहिए, तो फिलहाल आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स शेडो में जाना है, एंड जो यहाँ पे रॉकस्टार फाइल है शेडो बिल्डिंग की, तो उन दोनों को फिलहाल जाके रॉकस्टार में CLO में पेस्ट कर देना है सबसे पहले ऐसा काम करना। और फिर जो मैंने अभी ऐप बताया उसमें जाके वैसे जो मैंने स्टेप बताई वैसे ही करके यहाँ पे भी जो DFF है वो कॉपी करके डाल देना कट करके, और वैसे फिर अगर आपको फिलहाल नेक्स्ट लेवल ये अगर डाल दिया, अगर आपने ये वाला सब DFF डाल दिए, उसके बाद आपको तुरंत ही फिलहाल एक TXV टूल ऐप करके नाम है, फिर वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे जाके फिलहाल आपको GT3 TXT का कुछ मिलेगा विथ अल्पा वगैरह वगैरह, इसके फोटोज़ वगैरह, वहाँ की प्रोसेस मैंने बिल्कुल भी नहीं किए तो मेरे को पता नहीं। आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख सकते होंगे बहुत सारे, बाकी हाँ अगर फिलहाल उसकी स्टेप मेरे को बिल्कुल भी नहीं मालूम, मैंने इसलिए नहीं किया। मेरे से भी तगड़े थे ये ग्राफिक, अगर आपको चाहिए तो ऐसे कर सकते हो, बाकी हाँ अगर आप अगर आपको नहीं करना तो भाई मत करो। Call 911, I'm a killer. You know I ain't a convict.